सरकार की तरफ से आइए सुनते हैं। भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ जिस प्रकार से सरकार ने एक के बाद एक कदम लेके इस देश का विश्वास जीता है उसके बारे में जिक्र किया। कल बजट पर सबकी नजर है, खासकर जो मिनिस्ट्री आप देख रहे हैं बहुत सिग्निफिकेंट है, उस पर आपको क्या उम्मीदें हैं? बजट वित्त मंत्री जी ने तीनों बजट बहुत अच्छे दिए हैं। मैं समझता हूं कि तीन बजट से एक आगे की राह को हम देख सकते हैं किस प्रकार से भारत एक विश्व स्तरीय अर्थव्यवस्था बनते जा रहे हैं, कैसे भारत की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत के प्रति संकल्पित है और कैसे इस देश में हर गरीब को सम्मान मिले, हर महिला युवा का जीवन और उत्तम हो, किस प्रकार से हर शोषित और पीड़ित को एक अच्छा भविष्य मिले, इसके लिए एक और कदम इस बजट में वित्त मंत्री लेंगे। जैसा कि कह रहे हैं और अपोजिशन जैसा ही कह रहा है कि इकोनॉमी डल है, इसका रियल इकोनॉमी पे कल इन्होंने एनालिसिस किया है, उस पर आपको क्या कहना है? क्या आपको लगता है बजट के बाद कुछ बादल संकट हटेगा? मुझे बड़ा आश्चर्य है कि लोगों को भ्रमित करने के लिए एक बहुत ही बेबुनियादी सा रियल इकोनॉमी का डॉक्यूमेंट उन्होंने निकाला। एक प्रकार से वो रील जो सेल्यूलॉइड रील होती है फिल्मों में